हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। मक्के की फसल तो ख़त्म हो गई, अभी धान की फसल उगाने के लिए, उसकी नर्सरी का खेत तैयार करने के लिए हम देखें ट्रैक्टर लेकर चालू हो गए हैं। ये हमारा ट्रैक्टर, और अभी इसकी जुताई कर दिया है, पानी इसके अंदर भर दिया। अब इसकी इस पर पाटा चलाएँगे, ये हमारा है पाटा। अब इस पर शुरू करने वाले हैं अपना, तो चलिए शुरू करते हैं। खेती में खेत का बराबर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खेत ऊंचा नीचा रहेगा तो खेत में बराबर पानी नहीं लगेगा, तो जहां ऊंचा होगा वहां भी फसल ख़राब होगी और जहां नीचा होगा वहां भी फसल ख़राब होगी। तो इस समय हम थोड़ा जो ऊंचा नीचा है उसको बराबर कर रहे हैं, फिर इसमें धान की बुवाई करेंगे। जिसमें धान की रोपाई करनी है आने वाले समय में, उसमें हमने ढांचा बो रखा है। ढांचा देखें कितना बड़ा बड़ा हो गया है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये ऐसा लगेगा कि पानी की तरह बढ़ रहा है, जैसा बाढ़ आती है। ये देखें, ये खेत है कितना बड़ा बड़ा हो गया। हमारे अलावा ढांचे को पूरे गांव में किसी ने नहीं बोया है, जबकि इसकी खाद बहुत अच्छी लगती है। और क्या होता है कि ये एक जैविक खाद है, कोई केमिकल नहीं। जबकि कोई भी जो डाई, यूरिया, ये सब होती हैं खादें, ये होती हैं केमिकलाइज्ड खाद। तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। खेत बनाने के बाद हम अब धान की नर्सरी लगाने के लिए तैयार हैं। ये है हमारा धान, हाइब्रिड धान, और ये है हमारा खेत। अब इसमें हम धान की नर्सरी लगाने के लिए इसमें धान लगाएंगे। तो इस वर्ष हमने जो धान की फसल का चुनाव किया है, धान की प्रजाति का, वो दो प्रजाति, टोटल तीन प्रजातियां लाए हैं। एक खाने के लिए, जिसमें वो खाने में अच्छा रहेगा, तो वो है सिंजेंटा का S7001, और दूसरा जो हम बेचने के लिए लगाएंगे वो दो प्रजातियां हैं। एक पाइनियर का है 27P37, और दूसरा है सिंजेंटा का S4001। तो इन दोनों पर हमें बहुत भरोसा है, क्योंकि 27P37 इससे पहले मैंने काफ़ी बार उगाया है, उसका जो फसल होता है बहुत अच्छा रहता है। और सिंजेंटा का S4001 जो हम मेले में गए थे, पिछली वीडियो आपने देखी, तो उसके भी दाने हमें बहुत अच्छे लगे, और पता चला कि उसका जो दाने हैं बहुत वज़नदार हैं, तो उसका उत्पादन अधिक होगा। तो इसीलिए हमने सिंजेंटा का S4001 भी चुना। तो आशा करते हैं हमारी आने वाली फसल अच्छी होगी, और आप लोग भी वीडियो हमारा देखें, एंजॉय करें, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।